Good morning, students. Today I am going to start our chapter number 14. Okay. Birds come, birds go. ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए, हे देयर आर 25 बर्ड्स हेयर. यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? 25 बर्ड्स हैं. देखिए ये सब मिलाकर 25 बर्ड्स हैं. तो लुक अप, देखो वो देखो वो देखो, ऊपर देखो ऊपर देखो. सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग, कुछ और बर्ड्स आ रही हैं. बच्चे जो है फ्रेंड आपस में बातें कर रहे हैं कि वो कुछ बर्ड्स और आ रही हैं. लेट्स काउंट देम यूजिंग आवर कार्ड्स. अब ये बॉय कहता है कि चलो हम इसको कार्ड यूज़ करके इन सबको बर्ड्स को काउंट करते हैं. ओ वन 10 कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप. ये जो 10 बर्ड्स हैं इनके लिए हम एक कार्ड यूज़ करेंगे 10 नंबर का. ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बर्ड्स के लिए हम एक कार्ड यूज़ करते हैं 10 नंबर का. एंड 6 कार्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ बर्ड. और ये 6 कार्ड, ये जो 6 बर्ड हैं इनके लिए हम ये वाला कार्ड यूज़ करेंगे, ब्लू वाला. ठीक है, ये इसमें हमारी ये ब्लू कार्ड जो है वो 6 बर्ड के लिए हो जाएगा. सो दीज कार्ड्स शो 16 बर्ड्स. इसलिए ये कार्ड जो कितने बर्ड्स यूज कर रहे हैं, 16 बर्ड के लिए. एक हो गया 10 येलो वाला हो गया, वो 10 बर्ड्स का हो गया. और वन के 6 हो गया, तो 16 बर्ड्स के लिए कार्ड हो गया. बट वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम, लेकिन ये सब कहाँ से आए हैं. सून 25 मोर बर्ड्स फ्लू इन. तभी एकदम 25 और बर्ड्स वहाँ आ गई. लेट्स ऐड टू सी हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल देयर आर नाउ. चलिए देखते हैं कि और कितनी बर्ड्स हैं जो वहाँ पर अब आ गई थी. तो 16 बर्ड्स तो पहले ही थी, प्लस 25 वी राइट, हमने और लिख दिया इसमें. तो देखिए 10 और 6, 10 के लिए हमने एक कार्ड लिया था, और 6 के लिए वन के 6 ली थी. अब हैं 25 के लिए हमने क्या करा, दो कार्ड ले लिए येलो वाले, 10 के 20 हो गए. और 5 हमने ले लिए वन वाले, हो गए 25. अब नीचे देखिए 16 और 25 को यहाँ पर हमने ऐड करा है. तो पुटिंग ऑल द वन कार्ड टुगेदर वी गेट 11. जब हमने वन वाले सारे कार्ड रख दिए, 5 और 6, कितने हो गए वो 11. ऑफ दोज 10 मेक 1 एंड वी आर लेफ्ट विद 1. इसलिए हम 6 और 5 को जब जोड़ते हैं तो 11 आता है. 11 का हमने 1 लिख दिया, और जो 1 था वो हमने ऊपर कैरी कर दिया. नेक्स्ट देखेंगे अब. नाउ पुटिंग टुगेदर ऑल द 10s वी गेट 4. जब हम उसको जोड़ते हैं ऑल द 10s, जब हम 10s को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 2 and 1 3, और एक हमारा कैरी वाला हो गया, तो कितना हो गया 4. टोटल कितना हो गया, 41. सो द टोटल नंबर ऑफ बर्ड इज 41. ओके, टोटल कितनी बर्ड्स हो गई हमारे पास, 41 बर्ड्स हो गई. नेक्स्ट इज हाउ मैनी क्रेन्स एंड स्वैंस. तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी क्रेन और स्वैंस हैं. देयर आर 31 क्रेन्स एंड 39 स्वैंस. कितने क्रेन हैं, 31, और स्वान है आपके 39. लेट्स फाइंड आउट हाउ मैनी क्वान एंड क्रेन देयर आर इन ऑल. अब काउंट करते हैं. इन द सेम वे वी विल ऐड द नंबर ऑफ स्वान्स एंड क्रेन. अब इसी तरीके से हमको इन दोनों को भी जोड़ना है. देखिए नंबर ऑफ स्वान कितने हैं, 39, और नंबर ऑफ क्रेन 31. तो 39 के लिए हमने 10 के 3 कार्ड लिए, है ना, और 9 हमने लिए वन वाले कार्ड, तो हो गए 39. और 31 के लिए हमने 10 के 3 कार्ड लिए, और एक कार्ड हमने लिया वन नंबर वाला, तो हमारे पास हो गया 31. ऑल्सो ट्राई एडिंग विदाउट राइटिंग. हम इसको बिना लिखे भी काउंट कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्वान्स एंड क्रेन इज कितना हो गया, अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10 का 0, और एक हमने कैरी कर दिया 10s में, 3 and 3 6, और एक हमारा हो गया 7. तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 70. टोटल नंबर ऑफ स्वान्स एंड क्रेन्स इज
70, 70, 70, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट पेज। अब देखिए, वन मॉर्निंग सूरज सॉ, एक दिन सूरज ने देखा कि आउट ऑफ 70 बर्ड्स, 70 से ज़्यादा बर्ड्स, ओनली 26 वर्ड लेफ्ट, जिसमें से 26 बर्ड जो हैं वो रह गई थी। द रेस्ट हैड गोन अवे, और उसमें से बाकी जो थी वो उड़ गई, ठीक है। 70 में से 26 बर्ड रह गई थी और बाकी सब उड़ गई। तो हाउ मैनी बर्ड्स हैव गोन अवे, तो कितनी बर्ड्स उड़ गई। तो देखिए, 70 में से हमने क्या करा, कितने कार्ड लिए 70 के लिए, 10 के 7 कार्ड हमने यूज़ करे, तो हो गए 70। और 26 के लिए हमने 2 कार्ड, हमने 10 के यूज़ करे, और 6 हमने 1 के यूज़ करे, हो गया हमारे पास 26। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 70 में से 26 को माइनस कर देंगे, 10 में से 6 गया तो क्या बचा हमारे पास, 4। और बराबर में हमारे पास क्या है, 7। 7 में से हमने एक तो हमने वंस को दे दिया था, तो हमारे पास क्या बचा था, 6। 6 में से 2 माइनस गया तो कितना बचा हमारे पास, 4। तो यहाँ हमारे पास हो गया 44। कितनी बर्ड्स उड़ गई, 44 बर्ड्स हैव गोन अवे, उसमें से 44 बर्ड्स जो हैं वो उड़ गई, ठीक है, और 26 बर्ड्स रह गई, ठीक है। चलिए, सूरज डोंट बी सैड, उसके फादर कहते हैं डोंट बी सैड, दुखी मत हो, लेट्स होप दे कम बैक नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल फिर आ जाएंगी। दिस इज प्रैक्टिस टाइम स्टूडेंट्स। राहुल स्कोर 23 रन्स, राहुल ने 23 रन्स करे इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में। एंड धोनी स्कोर 69, और धोनी ने जो है 69 रन स्कोर करे। हाउ मैनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल, तो उन दोनों ने टोटल मिलाकर कितने रन करे, तो 23 एंड 69। तो 23 के यहाँ गए हम कार्ड ड्रॉ करेंगे, 10 के 2 कार्ड, और 3 के 1 के 3 कार्ड हो जाएंगे 23। और 69 में हम 10 के 6 कार्ड ड्रॉ करेंगे, और 1 के 9 हो जाएंगे 69। अब हम इनको ऐड करेंगे, 9 एंड 3 12 का 2, कैरी हो गया 1, तो 6 और 2 8, और ये कैरी वाला हो गया 9, 92। तो दे मेड 92 रन्स इन ऑल, उन्होंने कितने रन्स बनाए, 92 रन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमा सोल्ड 48 शॉट्स इन अ फेयर, डेमा ने एक फेयर में 48 शॉट्स बेच दी। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 17 मोर शॉट्स, अगले दिन उन्होंने 17 और शॉट्स बेच दी। हाउ मैनी शॉट्स इन ऑल डिड दे ही से, उन्होंने टोटल कुल कितनी शॉट्स बेची। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 48 प्लस 17, ठीक है, 48 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 को हम 17 को कॉपी पे लिखकर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे, तो 8 और 7 15 का 5, एक वह कैरी, तो 5 और 1 6 और एक 7, तो कितना हो गया 75। टोटल कितना हो गया, 75 शॉट्स उन्होंने खरीदी। तो डेमा सोल्ड 75 शॉट्स इन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज बुन्नू रैबिट कैन ईट 29 कैरट्स इन 1 वीक। बुन्नू रैबिट जो है, ये रैबिट है, इसका नाम बुन्नू है बेटा, तो ये एक दिन में 29 कैरेट, 29 गाजर खा सकता है। मुन्नू रैबिट कैन ईट 42 कैरेट्स, और मुन्नू जो रैबिट है वो एक दिन में, एक वीक में 42 कैरेट खा सकता है, ठीक है। बुन्नू 29 कैरेट खाता है एक हफ्ते में, और मुन्नू जो है वो 42 खाता है। हु ईट्स मोर इन अ वीक, कौन ज़्यादा खाता है इन दोनों में से, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा खाता है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा खाता है, बुन्नू या मुन्नू, तो इन नंबर से पता चल रहा है कि मुन्नू ज़्यादा खाता है। कितनी ज़्यादा खाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ पर साइड में जो बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम सब्ट्रैक का साइन बना देंगे, और 42 में से 29 को माइनस कर देंगे। 42 में से 29 को माइनस करेंगे तो 2 एक कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया, हमारे पास बचा 3, और ऊपर हमारे पास 4 की जगह क्या बचा, 3, तो 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया 13, 13
थर्टीन जो है वो उसने, मुन्नू इज 13 मोर कैरेट्स, मुन्नू ने 13 कैरेट्स जो है मुन्नू से ज़्यादा खाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम, नेहा इज 29 इयर्स ओल्ड, नेहा जो है वो 29 इयर्स की है, हर मदर इज 58 इयर्स ओल्ड और उसकी माँ जो है वो 58 इयर्स की है, हाउ मेनी इयर्स ओल्डर इज नेहाज मदर, तो नेहा की माँ जो है वो नेहा से कितनी ज़्यादा बड़ी है, तो हम किसके लिए क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन, 58 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 58 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से तो 9 जा नहीं सकते तो हम कैरी कर लेंगे, तो 18 में से 9 माइनस गया तो 9 बचा, और 12 में हमारे पास क्या बचा, 4 में से 2 गया 2, तो हमारे पास कितना हो गया 29 ईयर्स ओल्ड जो है वो उससे बड़ी है, तो हमें लिखेंगे मदर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन नेहा, फाइंड द आंसर, यहाँ पर हमें आंसर को फाइंड करना है। ठीक है, 24 में से 17 को ऐड करना है, तो ये सारे तो आई थिंक आप सब लोग कर सकते हैं, बाकी ये सब मैं क्लास में करवाऊँगी, तभी मैं आपको थोड़े बहुत सब्ट्रैक्शन और ये बताती हूँ। देखिए एक एक, सबसे पहले 24 और 17, तो इसको हम ऐड करेंगे, 7 और 4 11 का 1 लिख देंगे और एक हम कैरी कर देंगे, तो 2 और 1 3 और एक कैरी वाला, क्या हो गया हमारे पास 41। ठीक है, अभी सब्ट्रैक वाला देखेंगे, 32 में से 27 को माइनस करना है, अब 2 में से 7 जा नहीं सकता तो हम एक बोरो करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 से एक बोरो कर लिया तो क्या हो गया 12, 12 में से 7 माइनस गया तो कितना बचा 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, क्योंकि एक जो था हमने उसको दे दिया, 2 में से 2 गया 0 तो कितना हो गया 7, इसमें से बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट और एडिशन करने, ये आपने लास्ट क्लास में भी करे थे। सॉरी, नेक्स्ट इज कैच द राइट बस, आपको राइट बस पकड़नी है। ठीक है, सॉल्व टू गेट द बस, आपको सॉल्व करना है बस पकड़ने के लिए, नंबर ऑन ईच कार्ड, हर कार्ड के नंबर को, मैच द कार्ड विद द बस नंबर एंड सी हु विल सीट इन विच बस, कौन इस बस में बैठेगा। सबसे पहले देखिए कार्ड नंबर 27 और 22, 27 और 22 को ऐड करा तो क्या आया 49, तो देखिए इसको, इन उस कार्ड को इन्होंने 49 से मैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्ड 48 प्लस 19, 48 और 19 को हमने जब ऐड करा तो क्या आया 8 और 9, 17 का 7, एक हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर 4 और 1 5 और एक कैरी वाला हमारे पास हो गया 67। अब 67 देखिए कौन सी बस नंबर है, 67 ये 3 वाली बस नंबर है, तो इसको हम 67 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे 88 माइनस 21, 88 को 21 से सब्ट्रैक करना है, तो 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, तो क्या आ गया 67। फिर इस कार्ड को उस बस से मैच करना। ठीक, इसी तरह हमें एडिशन और सब्ट्रैक करके इसको, इन बच्चों को इनकी बस तक पहुँचाना है। पहले हम एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक करेंगे, फिर लास्ट में सबको मैच कर देंगे इनकी बसों से कि किस बच्चे को किस बस में जाना है। ठीक है, नाउ यू राइट योर ओन नंबर्स, अब यहाँ आपको आपको अपने नंबर लिखने हैं, मेक टू डिफरेंट कार्ड्स फॉर ईच बस, आपको अलग अलग कलर के कार्ड्स बनाना है हर बस के लिए। ठीक है, देखिए जैसे 49 है, यहाँ पर आपको अपने नंबर लिखने हैं, देखिए 49 और 75। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कोई ऐसे नंबर लिखने हैं जैसे जिसका आंसर 49 आए, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, जैसे हम मैंने ऊपर लिख दिया 0 में से 1, 0 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 9। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है 4, तो हम ऊपर लिख देंगे 6, 6 में से 1 गया 5 बचा, लेकिन एक हमने उधर दे दिया था तो हमारे पास बचेगा 4, तो हम लिख देंगे ऊपर 60, ऊपर लिख देंगे 6060 और नीचे लिख देंगे 1 और 1 11, 60 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया 49।
ठीक है, ऐसे ही हमें ऐसे कोई दो नंबर लिखना है यहाँ पर जिसका आंसर 75 आए। जैसे 2 और 3 5 होते हैं और 3 और 4 7 होते हैं, तो हम ऊपर लिख देंगे 32 and 43। तो इस तरह से ये नंबर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐसे 67, ये देखिए ऐड का आंसर भी 67 है, सब्ट्रैक्ट का आंसर भी 67 है। तो ऐसे ही दो नंबर डिजिट लिखना है यहाँ पर जिसका टोटल 67 हो, ऐसे सब्ट्रैक्ट कोई नंबर लिखना है जिसका आंसर 67 हो, ऐसे ही 75 और 49 का लिखना है। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। क्रॉस मी आउट, अब देखिए क्रॉस करिए, कम टूडे, चलिए आइए देखते हैं। वी विल प्ले क्रॉस मी आउट, अब हम खेलते हैं क्रॉस मी आउट विद आवर टीचर, अपनी टीचर के साथ। थिंक ऑफ सम नंबर्स, अब देखिए कुछ नंबर सोचिए बिटवीन 10 से लेके 50 के बीच में, आपको कुछ नंबर सोचने हैं। राइट देम इन द बॉक्स, डोंट रिपीट अ नंबर, आपको इस इन बॉक्सों में 10 से लेके 50 तक के नंबर लिखने, लेकिन ऐसे देखना है कि कोई भी नंबर आपका रिपीट ना हो। क्रॉस आउट द नंबर यू गेट बाय एडिंग 27 and 12, आपको क्रॉस आउट करना है उन नंबर को जो 27 बाय एडिंग 27 and 12, जो 27 से और 12 से एडिंग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 27 plus 10, 27 में हमने 10 ऐड करे तो कितना हो गया 37, एंड प्लस 2 इज 39, तो इसने देखिए 39 को क्या करा, क्रॉस आउट कर दिया। ठीक है, उसको क्रॉस कर दिया वहाँ पर, ऐसे ही आपको इसमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ये, नाउ यू कैन फिनिश दिस गेम फॉर रजिया, आप रजिया के साथ इस गेम को फिनिश कर सकते हो। आस्क योर टीचर और फ्रेंड टू स्पीक आउट टू नंबर्स टू एड, फिर आपको ये गेम दो लोगों के बीच में होगा। ठीक है, आप किसी फ्रेंड को या ब्रदर सिस्टर मदर के साथ ये गेम खेल सकते हो। नेक्स्ट इज चकाचक टोली, अब ये चकाचक टोली, देखिए बच्चों की चकाचक टोली है, जैसे आप लोगों की भी फ्रेंड की टोली होती है, ये सब बच्चे सफाई करने में लगे हुए हैं। देखिए चकाचक इन हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग, चकाचक का मीन्स होता है हिंदी में साफ और चमकदार। चकाचक टोली इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क, ये उस टोली का नाम है, चकाचक उस टोली का नाम है जिसके बच्चों का समूह जो है पार्क को क्लीन करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो श्रेया कलेक्ट्स द मनी एंड राइट्स इन हर डायरी, श्रेया ने पैसे कलेक्ट करे और अपनी डायरी में लिखती है। हेल्प श्रेया, हमें श्रेया की हेल्प करनी है टू फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ, कि मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, अब डायरी अक्टूबर देखिए, जैसे अक्टूबर 3 अक्टूबर को उसने कलेक्टेड करे 60 रुपये। ठीक है, 3 अक्टूबर को श्रेया ने 60 रुपये कलेक्ट करे, फिर 7 अक्टूबर को उसने एक ब्रूम खरीदी, एक झाड़ू खरीदी 18 रुपये की, 18 रुपीज़ की श्रेया ने एक झाड़ू खरीदी। फिर 12 अक्टूबर को बहुत अब एक फिनाइल बोतल, एक फिनाइल की बोतल खरीदी 25 रुपये की। ठीक है, उसके बाद 25 अक्टूबर को कलेक्टेड 27 रुपीज़, उसने 27 रुपीज़ कलेक्ट करे फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड, उसने 27 रुपये के कलेक्टेड फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड, जो उसने कार्ड बनाए थे उससे उसने कलेक्ट करे। टोटल मनी कलेक्टेड, तो उसने टोटल कितने मनी, तो पहले लिखना है कितने मनी उसने कलेक्ट करे, 60 रुपीज़ और 27, 60 और 27 कितने हो गए 6 और 2 8, 87 रुपीज़ उसने कलेक्ट करे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 87 रुपीज़। टोटल मनी स्पेंट, कितने रुपये उसने खर्च करे, एक तो उसने ब्रूम खरीदी और फिनाइल की बोतल, तो ब्रूम कितनी थी 18 और फिनाइल बोतल 25, तो 18 को 25 को हम ऐड कर देंगे, 18 और 25 कितने हो गए 43, तो उसने कितने रुपीज़ खर्च करे 43 रुपीज़ उसने खर्च करे। मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के एंड तक उसके पास कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए उसके पास एंड में बचे, तो खर्च कलेक्ट कितने हुए थे 27 और 60, 87 रुपीज़ तो उसके पास कलेक्ट हुए थे, और उसके पास खर्च किसने कर दिए 87 में से उसने 43, तो हम 87 में से 43 को माइनस कर देंगे, 87 में से 43 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो कितना बचा 44 रुपीज़ उसके पास
लास्ट में बची। ठीक है, नाउ कम टू लास्ट पेज। चिल्ड्रन ऑफ चकाचक टोली काउंटेड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन द पार्क। उन्होंने देखिए पार्क में ट्रीज को काउंट करा था। देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, ये ट्रीज थे 90 ट्रीज थे, फिर 75 इसके थे, 82 और 68 और 94, ये सब इन्होंने काउंट करे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीज बने हुए हैं, वर मोर देन ट्रीज, हाउ मोर मैनी मोर। तो आपको बताना है जो फर्स्ट ट्री है ये कितने ज़्यादा हैं आपके इससे। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले ये 90 ट्रीज हैं, ठीक है, ये देखिए ट्रीज हैं, ये 90 ट्रीज हैं। उसके बाद किससे कंपेयर करना है हमें, 82। तो हमें इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है कितने ज़्यादा हैं। तो 82 में से हम वो 90 में से 82 माइनस कर देंगे, तो कितने ज़्यादा है, 8 ट्रीज यहाँ लिख देंगे 8। ड्रॉ द ट्रीज विच इज़ द लीस्ट इन नंबर, इसमें से जो सबसे कम पेड़ है उसको हमें ड्रॉ करना है। सबसे कम पेड़ किसके हैं, ये 68 नंबर, तो 68 नंबर वाला ट्री हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ट्री विच इज़ मोस्ट इन नंबर, आपको फिर ड्रॉ करना है जो सबसे ज़्यादा है ट्री, तो सबसे ज़्यादा है 94 लास्ट ट्री, तो हमें यहाँ पर वो ड्रॉ करना है, छोटे छोटे ड्रॉ करिएगा। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्लांटेड सम मोर, चिल्ड्रन ने कुछ और पौधे लगाए, ट्रीज टू मेक 100 करने के लिए, हाउ मैनी मोर डिड दे प्लांट, उन्होंने कितने प्लांट और लगाए होंगे, ये वाले पेड़ और लगाए उन्होंने 100 करने के लिए। देखिए ये वाला पेड़ 75 ट्री थे ये वाले, उन्होंने 100 करने के लिए और लगाए, तो 100 में से हमको क्या करना है, 75 माइनस कर देंगे। 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 25। तो उन्होंने कितने ट्रीज और लगाए, 25। हाउ मैनी मोर डिड दे प्लांटेड, 25 ट्रीज दे प्लांटेड। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर बर्ड्स कम बर्ड्स गो चैप्टर इज फिनिश। ओके गुड बाय बच्चों।